तुम्हें अपने पिताजी की बात सुननी चाहिए थी। रमेश को अपने बड़े भाई के आज्ञा का पालन करना चाहिए था। छात्रों को परीक्षा से पहले सही ढंग से अभ्यास करना चाहिए था। विनय को अपने मित्रों को पार्टी में बुलाना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंस जिसमें चाहिए का प्रयोग पास्ट टाइम में किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें अपने पिताजी की बात सुननी चाहिए थी। यू शुड हैव लिसन टू योर फादर। यू सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड, फिर हैव है, लिसन जो है ये V3 है, और फिर उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट है। रमेश को अपने बड़े भाई के आज्ञा का पालन करना चाहिए था। रमेश शुड हैव ओबेड हिज एल्डर ब्रदर। यहाँ रमेश सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड, फिर हैव, ओबेड जो है ये V3 है, और फिर हिज एल्डर ब्रदर यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। छात्रों को परीक्षा से पहले सही ढंग से अभ्यास करना चाहिए था। स्टूडेंट्स शुड हैव प्रैक्टिस्ड प्रॉपरली बिफोर द एग्जाम या एग्जामिनेशन। यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड, फिर हैव, फिर प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस का V3 प्रैक्टिस्ड होता है, और फिर बाकी जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। और सबसे लास्ट में विनय को अपने मित्रों को पार्टी में आमंत्रित करना चाहिए था। विनय शुड हैव इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स इन द पार्टी। तो यहाँ विनय सब्जेक्ट है, फिर शुड, फिर हैव, इनवाइटेड, इनवाइट का V3 इनवाइटेड होता है, और फिर हिज फ्रेंड्स इन द पार्टी। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर के आधार पे इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे या लिखेंगे।